नमस्कार दोस्तों, आज हम द हिंदू की न्यूज़पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और डेली न्यूज़पेपर तो डिस्कस इस समय नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं और आने वाले टाइम में 1 से 2 दिन में आप लोगों को डेली न्यूज़पेपर मिलेगा डिस्कस होता हुआ। और वो एक टाइमिंग डिसाइड होगी, कुछ दिनों में मैं टाइमिंग एक डिसाइड कर दूंगा, एक टाइम उसी टाइम पे आपकी द हिंदू की जितनी भी जो भी एडिटोरियल चाहे वो या फ्रंट पेज की न्यूज़ हो वो सारी आपकी पढ़ने लगेगी, जिसमें हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बता भी रहे हैं। तो चलिए और हम स्टार्ट करते हैं न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर को डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं, ट्रैक्टर रैली टर्न्स वायलेंट। जो ट्रैक्टर रैली थी वो क्या हो गई है, हिंसक रूप उसने ले लिया है एज फार्मर्स इंटर कैपिटल। ठीक है, हम क्या करते हैं न्यूज़पेपर में मेन न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। और मेन न्यूज़ क्या है, डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिल्ली विटनेस्ड। दिल्ली ने देखा है, किसी चीज़ को घटित होते हुए देखना विटनेस होता है, विटनेस्ड वर्ब है, ठीक है, और नाउन होता है विटनेस। विटनेस का क्या मतलब होता है, गवाह, है ना। यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, इसका मतलब देखना, किसी चीज़ को घटित होते हुए देखना। तो दिल्ली विटनेस्ड चैओटिक सीन्स, जो अराजकता भरी सीन थी, दृश्य था, उसको दिल्ली ने क्या किया है, देखा है। यानी कि दिल्ली सब्जेक्ट है और विटनेस क्या है, वर्ब है, और चैओटिक सीन जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे लिखा है ऑन ट्यूसडे, और आप जानते हैं कि डे के पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो ऑन का यूज़ हुआ है। ठीक है, ट्यूसडे को, है ना, उस दिन की बात कर रहा है, तो ट्यूसडे को। फ्रॉम ट्यूसडे का मतलब क्या, कोई चीज़ ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है तो हम उसको लिख सकते हैं फ्रॉम ट्यूसडे। बाई ट्यूसडे का मतलब क्या, बाई ट्यूसडे का मतलब होता है क्या, ट्यूसडे तक। ठीक है, बाई का यूज तक के अर्थ में भी होता है, लेकिन अगर हमें मंगलवार को लिखना है तो हम ऑन ट्यूसडे लिखेंगे, ठीक है ना। एज ग्रुप्स ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, ठीक है, एज ग्रुप्स ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स ब्रोक ऑफ फ्रॉम द प्लांड रिपब्लिक डे ट्रैक्टर परेड रूट्स से, वो क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है, एंड स्वार्म इनटू द हर्ट ऑफ, और उन्होंने इंटर कर लिया कहाँ पर, द हर्ट ऑफ, स्वार्म मीन्स बड़ी मात्रा में कहीं पर जाना, ठीक है ना, स्वार्म इनटू द हर्ट ऑफ द नेशनल कैपिटल। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें, लिखा हुआ है होस्टिंग द यूनियन फ्लैग एंड ए सिख रिलीजियस फ्लैग इनसाइड रेड फोर्ट पर। वो क्या कर रहे थे, होस्ट कर रहे थे यूनियन फ्लैग को, अपने अपने यूनियन के फ्लैग को, एंड सिख रिलीजियस फ्लैग को इनसाइड रेड फोर्ट, रेड फोर्ट के अंदर। ठीक है, आगे क्या है, पुलिस यूज्ड, पुलिस जो है वो होती है वो प्लरल होती है, नाउन जो होता है वो प्लरल नाउन होता है पुलिस। ठीक है, अगर पुलिस के बाद लिखना है तो हम इज का यूज़ नहीं करते हैं, हम आर का यूज़ करते हैं, यानी कि प्लरल वर्ब आती है, क्योंकि पुलिस जो होती है वो क्या होती है, प्लरल होती है। आप लोग 3 P याद रखिएगा, पीपुल पब्लिक और पुलिस और कैटल, पीपुल पब्लिक पुलिस और कैटल, ये क्या होते हैं, प्लरल नाउन होते हैं। इनके बाद अगर वर्ब आएगी भी तो प्लरल वर्ब आएगी, अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पीपुल यूज्ड, सर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, पीपुल ने यूज, पुलिस यूज्ड, पुलिस ने क्या किया है, यूज़ किया क्या, टीयर गैस को, वाटर कैनन्स को, वाटर कैनन्स को भी यूज़ किया, टीयर गैस को भी यूज़ किया। ठीक है, एक होता है CANON, कैनन मीन्स होता है क्रिश्चियन प्रीस्ट को हम कैनन बोलते हैं, पादरी बोलते हैं जिसे, उसे हम क्या बोलते हैं, कैनन बोलते हैं। SSC में पूछा गया है 2016 में, शायद स्टेनो में ही पूछा है या 15 में स्टेनो में पूछा है, पूछा जाता है ये, कई बार आगे भी पूछा गया है। और ये कैनन होता है, कैनन मीन्स होता है तोप, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पुलिस यूज्ड टीयर गैस, वाटर कैनन्स एंड लाठी चार्ज टू स्टॉप द फार्मर्स एट सेवरल लोकेशंस। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लिखी हुई है, स्टॉप, और स्टॉप के बाद लिखा हुआ है द फार्मर्स एट सेवरल लोकेशंस।
ठीक है। और सेवरल के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है? प्लरल, हमेशा प्लरल नाउन यूज होगा। इन द सिटी, सेवरल, वेरियस और न्यूमेरस, लिख लीजिए आप लोग, सेवरल, वेरियस, ठीक है, न्यूमेरस। इसके बाद जो आने वाला नाउन होता है वो क्या होता है? प्लरल होता है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। इन सब के बाद आने वाला जो नाउन होता है मेनी, आने वाला नाउन कैसा होगा? प्लरल होगा। आगे क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग एट ITO, वेयर, जहाँ पर वन प्रोटेस्टर डाइड, जहाँ पर एक प्रोटेस्टर की क्या हो गई है? एक आंदोलनकारी की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है, ठीक है, मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं, दिल्ली पुलिस सेड, दिल्ली पुलिस क्या है? सब्जेक्ट है। और उसके बाद सेड क्या है? इसकी वर्ब है, ठीक है। क्या कहा दिल्ली पुलिस ने? आगे लिखा हुआ है 83 पर्सोनेल, ध्यान दीजिएगा पर्सोनेल को, कई बार पूछा गया है। एक होता है पर्सन, और पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, दूसरा होता है पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, और ये होता है एडजेक्टिव, ठीक है। और एक होता है पर्सोनेल, ये जो लिखा हुआ वर्ड है ये होता है कर्मचारी वर्ग, और ये हमेशा प्लरल काउंटेबल नाउन होता है। ये क्या होता है? प्लरल काउंटेबल नाउन खुद होता ही है, यानी कि इसमें यस लगा करके ज़बरदस्ती प्लरल नहीं बनाएंगे। 83 है तो भी पर्सोनेल, तो पर्सोनेल ही होगा, ठीक है ना, कर्मचारी वर्ग इसे बोलते हैं। 83 पर्सोनेल एंड वन सिविलियन वर इंजर्ड, यानी कि ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, वाज या वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज या वर के बाद थर्ड फॉर्म आई है। ध्यान दीजिए आप लोग कि वर्ब बी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है? पैसिव होता है। बी की ही फॉर्म होती है वाज या वर, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बींग, ये सभी क्या होती हैं? बी की फॉर्म होती हैं। अगर इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये पैसिव वॉइस में होते हैं, यानी वर इंजर्ड। ये सिविलियन, एक सिविलियन और 83 पर्सोनल जो हुए हैं वो इंजर्ड हुए हैं, है ना, वे घायल हुए हैं, तो पैसिव वॉइस चला जाएगा, हो जाएगा बाई इवनिंग, शाम तक, और ध्यान दीजिए आप लोग बाई इवनिंग लगा है, ठीक है ना। बाई, बाई प्लस टाइम जो होता है, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, तो तक का अर्थ देता है, क्या होता है? तक का अर्थ देता है ये, ठीक है। बाई 2021 मीन्स 2021 तक, बाई मंडे मीन्स मंडे तक, बाई इवनिंग मीन्स शाम तक, ठीक है। इन द इवनिंग मीन्स इवनिंग में, है ना। आगे देखते हैं, द होम मिनिस्ट्री डिप्लॉयड, होम मिनिस्ट्री ने डिप्लॉयड किया, देखिए कॉमा लग गया, अब दूसरे सेंटेंस की शुरुआत होगी, तो होम मिनिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया, डिप्लॉयड क्या हो गई? आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। होम मिनिस्ट्री ने डिप्लॉय किया है, तैनाती की है, किसकी? एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वन मिनट, किसकी तैनाती की है? एडिशनल, कुछ अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की है, सेनाओं की, ठीक। ध्यान दीजिएगा, फोर्स मीन्स बल होता है, और फोर्स मीन्स सेनाएं हो, सेना होती है, ठीक है ना। एंड सस्पेंडेड, और सस्पेंड कर दिया है, ध्यान दीजिएगा एक चीज़ आप लोग, यहाँ से एंड के बाद वर्ब कैसी है ये डिपेंड करता है कि एंड के पहले वर्ब कहाँ कैसी थी। तो चलिए इधर मुड़ते हैं और देखते हैं वर्ब कहाँ मिलती है हमें, डिप्लॉयड। तो ध्यान दीजिए, मिनिस्ट्री ने डिप्लॉय किया है, फिर मिनिस्ट्री ने सस्पेंड भी किया है ना, एंड के बाद सस्पेंडेड है, एंड के बाद सस्पेंडेड है, और एंड के बाद डिप्लॉयड है। देखिए यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म सस्पेंडेड यूज़ हुई है, और यहाँ डिप्लॉयड यूज़ हुई है, ठीक है। इसका एक ही सब्जेक्ट है, द होम मिनिस्ट्री, यानी द होम मिनिस्ट्री ने डिप्लॉयड भी किया है, तैनाती भी की है एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेस की, एंड होम मिनिस्ट्री ने सस्पेंड किया, क्या किया सस्पेंड? मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को क्या कर दिया है? सस्पेंड कर दिया है। इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सिटी, सिटी के कई हिस्सों में, है ना। और सेवरल मीन्स होता है क्या? सेवरल के बाद आने वाला नाउन जो होता है वो हमेशा और हमेशा प्लरल काउंटेबल होता है, इसीलिए सेवरल के बाद पार्ट्स लिखा हुआ है, पार्ट नहीं लिखा हुआ है। अभी हमने बताया था सेवरल, वेरियस, न्यूमेरस, उसके बाद लिख लीजिए दीज, दोज, सर्टेन, ठीक है। इन सब के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है? प्लरल काउंटेबल नाउन यूज होता है, इनके बाद कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज नहीं करते हैं।
आगे देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है इन ए स्टेटमेंट, ठीक है। सेंटेंस की शुरुआत यहाँ प्रीपोजिशन से हुई है, तो अगर सेंटेंस की शुरुआत प्रीपोजिशन से होती है तो आगे सब्जेक्ट वर्ब आएगा, है ना। आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसके तुरंत बाद नहीं दिया जाएगा, यहाँ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज चलेगा। देखिए प्रीपोजिशनल क्लॉज चलेगी, देखिए क्या है यहाँ पर, द यहाँ इन ए स्टेटमेंट इशूड बाई ए बाई इशूड लेट इन द इवनिंग, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, जो इशू किया गया देर शाम को, ठीक। क्या दिल्ली पुलिस सेड, दिल्ली पुलिस ने कहा, दिल्ली पुलिस सेड क्या कहा, द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैड ब्रीच्ड द एग्रीमेंट, प्रोटेस्टिंग फार्मर्स ने जो एग्रीमेंट था, जो समझौता था, उसको नहीं माना है, उसका उल्लंघन किया है, ठीक है ना। हैड ब्रीच्ड किया, और क्या किया प्रोटेस्टिंग फार्मर्स ने, उस समझौते का, उस एग्रीमेंट का क्या किया, उल्लंघन किया था, विद द यूनियंस यूनियन के साथ, एंड बिगैन, ध्यान दीजिए हैड के बाद क्या लगा हुआ, ब्रीच्ड है ना, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, एंड बिगैन देयर मार्च, और उन्होंने अपने मार्च शुरू किया, मार्च बिफोर द शेड्यूल टाइम, शेड्यूल टाइम से पहले उन्होंने अपना मार्च जो है वो क्या कर दिया, शुरू किया, ठीक है। आगे क्या है, दे चोज द पाथ, ये जो सोज लिखा हुआ है ये चूज की सेकेंड फॉर्म है, चूज फर्स्ट फॉर्म होती है, चोज सेकेंड फॉर्म होती है, और चूजन जो है वो थर्ड फॉर्म होती है, यानी कि ये सोच जो है वो सेकेंड फॉर्म है। उन्होंने चुना, क्या चुना, द पाथ ऑफ वायलेंस एंड वेंडलिज्म, द पाथ ऑफ वायलेंस एंड वेंडलिज्म, वायलेंस का पाथ चुना, हिंसा का रास्ता चुना, और वेंडलिज्म का रास्ता चुना। देखिए एंड से दो सेम वर्ड जुड़ते हैं, अगर हिंसा निगेटिव है तो ये भी निगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, एंड से दो सेम सेंस वाले वर्ड जुड़ते हैं। आगे क्या है, एंड सीइंग दैट, और यह देखते हुए, द पुलिस हैड टू टेकन, और इस सब चीज़ों को देखते हुए पुलिस को लेना पड़ा, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ऐसा काम करना पड़ा, है ना, पुलिस को जो है वो क्या लेना पड़ा, नेसेसरी स्टेप्स जो है वो लेने पड़े, कुछ आवश्यक कदम लेने पड़े, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस एजिटेशन, एजिटेशन मीन्स प्रोटेस्ट होता है, ठीक है, दिस एजिटेशन लेड टू, ये लेड जो है वो लीड की सेकंड फॉर्म है, लीड फर्स्ट फॉर्म होती है, लेड सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, और लीड के साथ, हाँ लेड जो है वो सेकंड फॉर्म होती है, लेड टू डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड मेनी पुलिस पर्सोनेल, देखिए मेनी के बाद क्या लगा हुआ है, पर्सोनेल लगा हुआ है, क्यों, मेनी के बाद प्लरल काउंटेबल नाउन आता है, और पर्सोनेल जो है वो प्लरल काउंटेबल नाउन है, यहाँ कभी पर्सोनेल को पर्सोनेल्स नहीं करेंगे, बस ये ध्यान रखना है, और पर्सोनेल अगर प्लरल काउंटेबल नाउन है तो आने वाली वर्ब भी क्या लिखी हुई है, वर लिखी हुई है, जो बहुत से पुलिस कर्मचारी थे वो भी क्या हुए हैं, वर आल्सो इंजर्ड, वो भी क्या हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, उन्होंने इंजर्ड नहीं किया है, ठीक है। वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पैसिव वॉइस, इसका मतलब है कि बहुत से पुलिस जो कर्मचारी वर्ग थे उन्होंने क्या, वो क्या हुए हैं, घायल हुए हैं, दे सेड। आगे देखिए लिखा हुआ है, द पुलिस हैव रजिस्टर्ड, हमेशा पुलिस ध्यान रखिएगा प्लरल होता है, पीपल पब्लिक पुलिस अभी हमने बताया, थ्री पी को आप हमेशा प्लरल ध्यान रखिएगा, यानी कि द पुलिस हैव रजिस्टर्ड, पुलिस ने क्या किया है, रजिस्टर्ड किया है, द FIR 11 FIRs 11 FIR रजिस्टर किए हैं, पुलिस प्लरल है इसलिए आने वाली वर्ब क्या लिखी हुई है, हैव लिखी हुई है, पुलिस ने क्या किया है, रजिस्टर किया है 11 FIR किसके अगेंस्ट, प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, और आगे लिखा हुआ है फॉर डिमांडिंग द पब्लिक, डैमेजिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, फॉर के बाद अगर वर्ब आती है तो ING फॉर्म आई हुई है, क्यों, क्योंकि फॉर एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब आती है तो उसकी ING फॉर्म आती है, ठीक है, फॉर डैमेजिंग
द पब्लिक प्रॉपर्टी, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, और आगे लिखा हुआ है एंड अटैकिंग। वहाँ देखिए एंड के पहले देखिए आप लोग फॉर डैमेजिंग था, तो यहाँ फॉर अटैकिंग, और फॉर एक ही बार लिखा गया है, ठीक है ना। एंड अटैकिंग द पर्सन, अटैकिंग पर्सोनल इन ईस्टर्न दिल्ली। आगे क्या है, फार्मर यूनियन लीडर्स कंडेम, फार्मर जो यूनियन लीडर्स थे, फार्म यूनियन लीडर्स, उन्होंने क्या किया है, आलोचना की है, किस चीज़ की, वायलेंस की, इस हिंसा की, क्या की है, निंदा की है, ठीक है। सब्जेक्ट है फार्मर यूनियन लीडर्स, और कंडेम क्या है, वर्ब है, और द वायलेंस क्या है, ऑब्जेक्ट है, यही मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं। एंड डिस्टेंस, और अपनी दूरी बना ली है, एंड डिस्टेंस्ड, डिस्टेंस्ड एंड के बाद कैसी वर्ब है, ये डिपेंड करेगा एंड के पहले कैसी वर्ब थी। एंड के पहले लिखा हुआ था कंडेम्ड, ठीक है, आलोचना की, निंदा की, एंड डिस्टेंस और दूरी बनाई, ठीक है। एंड डिस्टेंस देमसेल्फ, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा एरर काफ़ी पूछा जाता है, एंड डिस्टेंस देमसेल्फ, और अपने आप उनसे क्या कर ली है, दूरी बना ली है, फ्रॉम एंटी सोशल एलिमेंट्स से, उन एंटी सोशल एलिमेंट जो असामाजिक तत्व थे उनसे क्या कर ली है, दूरी बना ली है। हु, और हु हमेशा लिविंग बींग के लिए आता है, एंटी सोशल एलिमेंट जो है, असामाजिक तत्व जो है, वो लिविंग बींग है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, हु आया है, हु। उसके बाद देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, हु दे क्लेम्ड, तो कॉमा से कॉमा ब्रेकेट कर लीजिए, वे दावा करते, उन्होंने दावा किया, ठीक है। अब देखिए हु हैड इनफिल्टर्ड, हमेशा ध्यान रखें कि दो कॉमा के बीच के जितनी भी बातें हैं उसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। हु हैड इनफिल्ट्रेटेड, जिन्होंने क्या कर ली थी, घुसपैठ कर ली थी प्रोटेस्ट में, इंसिस्टिंग दैट, यह जोर देते हुए कि, और हमने बताया है इंसिस्ट के साथ ऑन भी आता है और दैट भी आता है, इंसिस्ट के साथ ऑन भी आता है और दैट भी आता है। इंसिस्ट के साथ दैट कब आएगा, जब आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखी हो तो दैट आता है, नहीं तो अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो क्या आता है, ऑन आता है। इंसिस्टिंग दैट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ प्रोटेस्टर्स रिमेंड पीसफुल, ठीक। आगे देखते हैं, आफ्टर इंटेंस निगोसिएशन के बाद दिल्ली पुलिस हैड गिवन परमिशन, दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी थी, है ना। हैड गिवन, हैड जो है वो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन आई है, ठीक है। और हैड गिवन परमिशन, जिन्होंने क्या दी थी, परमिशन दी थी फॉर 3 परेड रूट्स की, 3 परेड रूट्स की क्या दी थी, परमिशन दी थी, और 3 लगा हुआ इसलिए यहाँ रूट्स आया है, ठीक है। प्लरल नाउन आएगा। आगे क्या है, स्टेइंग नियर द बॉर्डर एरियाज, शेड्यूल्ड टू स्टार्ट फ्रॉम नून, जो कि दोपहर से शुरू होने के लिए शेड्यूल्ड था, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो लिखा क्या हुआ है, द संयुक्त किसान मोर्चा, इसके पहले आर्टिकल दा लगा हुआ है, ठीक है ना। द ज्वाइंट ज्वाइंट फ्रंट ऑफ ऑल द प्रोटेस्टिंग यूनियंस का जो था वो क्या था, ज्वाइंट फ्रंट था। और देखिए आप लोग कॉमा से कॉमा ब्रैकेट कर लें, मालूम चलेगा कि द संयुक्त किसान मोर्चा हैड एग्रीड टू देयर कंडीशन, उन सर देयर कंडीशंस, उन सभी शर्तों पर क्या हुए थे, संयुक्त किसान मोर्चा जो हो गई थी, क्या हुई थी, एग्री हुई थी, है ना। और एग्री टू देयर कंडीशन, ध्यान दीजिएगा, एग्री विद समबडी होता है, एग्री विद समबडी होता है, ठीक है। एग्री ऑन मैटर या इशू या प्रपोजल होता है, सॉरी मैटर या इशू या पॉइंट होता है, ठीक है। और एग्री टू प्रपोजल या एग्री टू किसी की कोई कंडीशन, कोई शर्त रख रहा है और उस पर हम एग्री हो रहे हैं तो भी एग्री टू का यूज़ होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट करते रहिएगा। एग्री टू प्रपोजल जो है वो सीजीएल के पहले ही सेट में 2019 में पूछा गया है, जितने लोग एमबी पब्लिकेशन की बुक लिए हुए हैं वो जा करके वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, टेंशंस ऑन यूपी बॉर्डर,
हाउएवर जो है वो हालांकि दो अपोजिट सेंटेंस को जोड़ने वाला कंजंक्शन, ठीक है, जोड़ता है क्या, हाउएवर, हालांकि, ट्रबुल्ड स्टार्ट, जो ट्रबुल था वो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ लेट लेट ऑन मंडे नाइट, ठीक है, देर रात में, वो सोमवार की देर रात में स्टार्ट हुआ, एज हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स, इसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत अच्छा है, हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स, तो ध्यान दीजिएगा, हंड्रेड डजन थाउजेंड हंड्रेड मिलियन बिलियन, अगर इसके पहले डजन थाउजेंड, ये नाउन का रूल है, आप लोग नोट कीजिएगा, डजन थाउजेंड हंड्रेड मिलियन बिलियन के पहले अगर संख्या लिखी हुई है, अगर इनके पहले संख्या लिखी गई है तो ना तो इनमें यस या यस लगाते हैं और ना ही इनके बाद हम ऑफ का यूज़ करते हैं। लिख लीजिएगा, डजन थाउजेंड हंड्रेड मिलियन बिलियन के पहले यदि लैख के पहले यदि संख्या लिखी गई है तो ना तो इसमें हम एस लगाते हैं और ना ही ऑफ लगाते हैं, लेकिन यदि इनके पहले संख्या नहीं लिखी गई है तो हम एस भी लगाते हैं और ऑफ भी लगाते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स, क्यों, क्योंकि हंड्रेड के पहले संख्या नहीं दी है, और अगर हंड्रेड के पहले 200 300 ऐसे नहीं लिखा हुआ है ना, तो अगर इनके पहले संख्या नहीं दी गई है तो हम एस भी लगाते हैं और ऑफ भी लगाते हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स, हजारों किसान, ऑन ट्रैक्टर्स फ्रॉम नेवरिंग उत्तर प्रदेश, ठीक, थ्रिएटेंड टू इंटर दिल्ली, और ध्यान दीजिएगा इंटर के साथ हम इंटू का यूज नहीं करते हैं, इंटर के साथ कभी इंटू का यूज नहीं होता है, इंटर इंटू प्रवेश करने के अर्थ में इंटर के साथ इंटू का यूज नहीं करते हैं, कोई भी संधि या समझौता होता है उस सेंस में हम इंटर के साथ इंटू का यूज़ करते हैं, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब होता है इंटर इंटू, लेकिन प्रवेश करने के अर्थ में इंटर के साथ इंटू का यूज नहीं होता है, हाँ, और इंट्री के साथ इंटू का यूज हो सकता है, ठीक है ना, इंटर के साथ, जैसे आई इंटर्ड इंटू द रूम, नहीं है ना, तो इंटर के साथ प्रवेश करने के अर्थ में इंटू का यूज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इंटर्ड दिल्ली एट द नॉर्थ ईस्ट लोनी बॉर्डर पॉइंट विद द पुलिस सेइंग दे वर डायरेक्शनलेस, दे वर वो क्या हो गए थे, डायरेक्शनलेस हो गए थे और लीडरलेस हो गए थे, एंड से दो सेम चीज़ों को जोड़ते हैं, है ना, मतलब दो सेम चीज़ों का, कहने का मेरा मतलब ये है कि दो सेम सेंस वाली चीज़ें, अगर एंड के इधर पॉजिटिव सेंस लिख के वर्ड लिखे हैं तो एंड के उधर भी पॉजिटिव सेंस वाले वर्ड लिखे जाएंगे, इधर निगेटिव है तो उधर निगेटिव सेंस के ही वर्ड रहेंगे, बट वॉन्टेड टू गो, लेकिन वो क्या चाहते थे, जाना कहाँ, टू गो टू द रेड फोर्ट, और रेड फोर्ट हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले हम हमेशा दा का यूज़ करते हैं, ठीक है, आर्टिकल दा का जो यूज होता है वो कहाँ कहाँ होता है, अगर हम देखना चाहें तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इसके पहले हम दा जरूर लगाएंगे, ठीक है, और सन मून स्टार, सन मून और स्टार अर्थ, इनके पहले भी हम हमेशा हमेशा दा का यूज जरूर करेंगे, अगर नहीं लिखा गया है तो एरर है, ठीक है, द सन द स्टार द मून द अर्थ, है ना, इनके पहले हम दा का यूज जरूर करेंगे, यही वजह है कि यहाँ रेड फोर्ट के पहले हम क्या लगाए हुए हैं, दा का यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, तो बातें इतनी आपको लोगों को समझ में आई कि किस तरीके से हमें न्यूज़पेपर को पढ़ना है, और इस तरीके से आप लोग डेली घर पे भी आप लोग मेहनत कीजिए और न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, मिलेगी आप लोगों को, ग्रामर तो सही होगा ही, साथ ही साथ अगर आप पैसेज में मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं या एरर के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ बखूबी बहुत अच्छे तरीके से बताते भी रहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ते भी रहिए, पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं और प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, वहाँ से जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी न्यूज़पेपर की वीडियो पड़ी भी हुई है वहाँ, काफ़ी काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे कभी कभी होता क्या है कि कई रूल एक साथ बहुत ढेर सारे मिल जाते हैं वहाँ, और किसी किसी न्यूज़ में ज़्यादा रूल्स नहीं मिलते हैं, है ना, आपको SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो भी हम लेकर के आते हैं उसमें ये हमारा यही होता है कि
उद्देश्य कि ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स हम डिस्कस कर सकें, ऐसा ही हम न्यूज़ लेकर के आए आप लोगों के सामने। और कई रूल इसके पीछे भी पहले भी आए हुए हैं, जिसमें हम काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की है, वहाँ आप देख सकते हैं। बाकी इस तरीके से आप लोग बेहतर ढंग से पढ़ाई करते रहिए, कोशिश करते हैं कि न्यूज़पेपर की वीडियोस जो हैं वो एकदम मतलब डेली पढ़ती रहें, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज़ कई लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि सर वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, तो MB पब्लिकेशन की बुक जो सॉल्व कराई जा रही है उसकी वीडियोस तो उसकी वीडियो तो कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी, और साथ ही ये वीडियो भी कंटिन्यू ही रहेगी। और कोशिश करते हैं टाइम एक डिसाइड करने का, उस टाइम में मैं वीडियो को डाल दूंगा, आप लोग देखिएगा बहुत अच्छे से। और आप लोगों को अगर सेशन पसंद आया हो तो आप लोग जा कर के वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर समझ में आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।